अब देखिए पांच नंबर आपका ट्रांसलेशन का हो गया, इसके बाद फिर आपका आता है सेक्शन डी। क्या आता है? सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या होता है कि सेक्शन डी जो है आपका, इसमें भी लिखा होता है रीड द, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो यहाँ आपका ये जो क्या है कि ये प्रोज से आता, कहाँ प्रोज, तो प्रोज से आता है, इसको हम बोलते हैं एल आई टी और ई आर ए टी यू आर ई, लिटरेचर। क्या हो जाएगा? लिटरेचर। लिटरेचर माने क्या होता है? साहित्य। क्या होता है? साहित्य। तो लिटरेचर का मतलब इसमें प्रोज हो जाएगा आपका, और इसमें पोएट्री हो जाएगा, और आपका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से आएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है यानी क्वेश्चन नंबर सात, कौन सा क्वेश्चन नंबर सात, इसमें सात में क्या होगा कि एक पैसेज दिया होगा ऐसे, इस पैसेज पे जो है आपसे प्रश्न करेगा, कितने? दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू। तो दो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, इन दोनों क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, इनका आंसर इसी पैसेज में होगा, और इस पैसेज से छांट के आपको लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आता है? आठ आता है। क्या आता है? आठ। क्वेश्चन नंबर आठ में क्या है कि आपको 60 वर्ड यानी लॉन्ग क्वेश्चन, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये कहाँ से आएगा? प्रोज से आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, प्रोज से आएगा, और ये 60 शब्द केवल इसमें लिखने हैं, 60 शब्द में आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। तो एक, लेकिन एक ही क्वेश्चन केवल करना होता है, दो आएगा और केवल एक करना है। क्वेश्चन नंबर नौ में आपका जो है क्या होता है कि 25 वर्ड, कितने? 25 वर्ड्स का होता है, तीन आएगा, तीन में से कोई दो आपको करना है। ये भी हमारा कहाँ से होता है? प्रोज से होता है। कहाँ से? प्रोज से होता है, राइट। इसके बाद दोस्तों देखिए जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आता है। क्या जो 10 आता है वो आता है मैच। क्या? मैच द वर्ड्स। तो यहाँ क्या होता है? लिस्ट ए और लिस्ट बी। तो लिस्ट ए और लिस्ट बी की तरह आता है। यहाँ पर हमें क्या होता है कि इधर वर्ड दिया होता है, इधर इधर दिया होता है, और इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस तरह से चार देगा, या हो सकता है कि तीन ही दे। तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि मिलाना होता है कि किसका क्या होगा, और उस तरह से मिलान कर सकते हैं। इसका रेशियो 1:2 और 3:4 का रखते हैं, तो इसमें करीब करीब आपको अच्छा नंबर मिल जाता है, एक नंबर तो मिल ही जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। कौन सा? 11। ये हमारी पोएट्री से आती है। कहाँ से? पोएट्री, ठीक है। तो पोएट्री से अगर मान लो हमारा आ रहा है, तो पोएट्री के अंतर्गत आपको एक जो है क्या दिया जाता है? स्टैंजा। क्या दिया जाता है? स्टैंजा। और स्टैंजा के अंतर्गत जो है दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? दो क्वेश्चन मात्र स्टैंजा 11 में पूछा जाएगा। तो अब देखिए जब आपका क्वेश्चन नंबर 12 आता है, तो 12 में क्या आता है? सेंट्रल आइडिया। क्या? सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जाता है। और या जो है चार लाइन की आपको कविता लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर कितनी? 12 में, जो सेक्शन डी के अंतर्गत आता है। 13 जो क्वेश्चन नंबर 13 होता है, इसमें क्या है कि आपको दो क्वेश्चन यानी तीन दिए होते हैं, दो का आंसर देना होता है, और दो का दोनों जो है ये होता है शॉर्ट स्टोरी से। किससे? शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन आता है। फिर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 आता है। 14 जो है 60 वर्ड का होता है, ये जैसे 25 का होता है, और एक कितने का? 60 का। तो इसमें भी केवल एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है, वो भी होता है किससे? शॉर्ट स्टोरी से ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 फिर हमारा आता है। यहाँ पर क्या होता है? ट्रू और फाल्स। क्या? ट्रू और फाल्स। तो ट्रू फाल्स में क्या होता है कि आपको देखना होता है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है, कौन सा फाल्स। तो 15 में ट्रू और फाल्स आपको लगाना होता है, जिसमें 15 का ए आपका होता है, और 15 का जो बी होता है, इसमें अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से जो आपको जो चार ऑप्शन में से कोई एक सही होगा उसको लिखना होता है। तो इस तरह से आपका जो है पूरा पेपर जो है जानकारी हो गया कि किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो अगर वीडियो आप जो है बढ़िया से देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद।